यह अमृता, गिलोय, गुड़ूची आदि नामों से यह जाना जाता है। यह पौधा, इसके पत्ते देखिए पान के तरह ही होते हैं और इसकी बेलें होती है। यह कभी ना मरने वाली एक पौधा होता है, देख सकते हैं। इसके लता को जहाँ भी आप रख दें, यहाँ वहाँ से यह अपना जड़ फेंक देती है। यह बहुत दिनों तक अगर आप इसे रख भी देंगे तो यह ख़त्म नहीं होती है। देख सकते हैं इसके डंठल हैं। यह ज्वर नाशक है, चर्म रोग नाशक है, उसके बाद किसी भी तरह के विष के प्रभाव को ख़त्म करने वाली है। यह जो घुटनों के दर्द होते हैं उसमें भी काम बहुत अच्छा करती है, शुगर के बीमारियों में भी बहुत काम करती है, यहाँ तक कि कैंसर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों को डेली खाली पेट एक पत्तों को सेवन करने से कई तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसके डंठलों को उबाल कर इसके काढ़े रूप में, इसमें एक अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी तुलसी डालकर इसके काढ़े का सेवन करने से यह किसी भी तरह का ज्वर को उतार देता है। अगर इसका लगातार सेवन करते रहते हैं तो किसी भी तरह की बीमारियों से हम बचे रहते हैं। यह एक रसायन है, इसे रसायन में गिना जाता है। देख सकते हैं सर्प विष में इसके लकड़ी के लता के एक टुकड़े को धारण करते हैं, जिससे किसी भी तरह के सांप बिच्छू आदि का डर नहीं रहता हमारे तरफ। देख सकते हैं ये कैसे रखी हुई है काटकर, और इसमें कैसे पौधे अपने आप उपज गए हैं, देख सकते हैं। यह मैंने जमा करके रखा है, या जो लोग मांगने आते हैं मैं उसे ऐसे ही दे देता हूँ। देख सकते हैं इसके डंठलों ने जड़ फेंका है। ये कभी ना मरने वाली एक लता है और बहुत ही अच्छी औषधि, 64 दिव्य औषधियों में इसका भी वर्णन किया गया है। यह एक रसायन है, मूत्र संबंधित शिकायतों में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं यह चक्रनुमा होती है, इसकी बेल को काटने से इसकी पहचान यही है। और इसमें कड़वापन जैसा चपचपा तरह की तरल निकलती है, वो बहुत ही कड़वा होती है। देख सकते हैं इनकी डंठले जिसमें पौधे उग रहे हैं अपने आप। यह हर घर में लगाना चाहिए और हर घर में ये होना चाहिए। धन्यवाद।